इंडियन आर्मी रशियन ओरिजिन मेन बैटल टैंक्स T-72 अजया और T-90 भीषम की लार्ज फ्लीट को ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा 124 यूनिट्स अर्जुन टैंक्स की भी ऑपरेशनल हैं, जिसके एडवांस्ड वेरिएंट्स की एडिशनल 118 यूनिट्स ऑर्डर पर हैं। 3700 मेन बैटल टैंक की ऑथराइज्ड होल्डिंग है और करीब 3500 टैंक्स सर्विस में हैं, पर एक्चुअल ऑपरेशनल नंबर्स सर्विस और मेंटेनेंस की वजह से इससे भी बहुत कम हैं। और मेन बैटल टैंक्स की पूरी फ्लीट में से करीब 60% यूनिट्स T-72 टैंक्स की हैं, जो टेक्निकली इतने एडवांस्ड नहीं हैं और ऑलरेडी रिटायरमेंट फेज में एंटर कर चुके हैं, जिनको आर्मी अगले दशक में करीब 1700 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल से रिप्लेस करेगी। बट इंडिया के हाई अल्टीट्यूड और थिन एयर हिमालयन रीजन्स के लिए इंडियन आर्मर्ड फॉर्मेशंस को लाइट टैंक्स की ज़रूरत है, जिनको कॉन्फ्लिक्ट्स और एमरजेंसी सिचुएशंस में क्विकली डिप्लॉय किया जा सके और ट्रूप्स की फायर पावर को बढ़ाया जा सके। करंटली T-72 और T-90 टैंक्स, जिनकी लिमिटेड यूनिट्स ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉयड हैं, एलिवेशन और मेन गन्स के डिप्रेशन की वजह से, जो कि हाई अल्टीट्यूड के लिए फुली कंपैटिबल नहीं हैं, आर्मी को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और ये टैंक्स फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के लिए भी इतने सूटेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से आर्मी इनको ऑपरेशनली रेडी रखने के लिए स्पेशल किट्स का यूज़ करती है और माइनस टेम्परेचर्स में इनके इंजन्स को भी डेली 1 से 2 बार ऑन करना पड़ता है। इन सब इश्यूज़ की वजह से इंडियन आर्मी जल्द ही एक टैंक को अपनी मेन बैटल टैंक्स की फ्लीट में शामिल करेगी, जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ में आर्मी की फायर पावर को बूस्ट करेंगे। और इस टैंक को जोरावर के नाम से जाना जाएगा। इसका जोरावर नाम 19th सेंचुरी के डोगरा राजपूत रूलर और मिलिट्री जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया पर रखा गया, जिसने नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ के कई रीजन्स को कैप्चर किया, जो आज लद्दाख और तिब्बत का पार्ट हैं। और इन लाइट टैंक्स को स्पेशली हिमालयन रीजन्स के लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में डिप्लॉय किया जाएगा, और जोरावर सिंह का भी उस इलाके से ही ताल्लुकात रहा है, सो टेक्निकली इस टैंक को जोरावर का नाम दिया गया। DRDO और प्राइवेट फॉर्म लार्सन एंड टोब्रो LNT द्वारा जॉइंटली डेवलप्ड किए जा रहे इस लाइट टैंक का मैक्सिमम वेट 25 टन तक होगा, और इस लाइट टैंक के प्रोटोटाइप को DRDO द्वारा लास्ट ईयर अनवील किया गया था। और इस साल अप्रैल में DRDO द्वारा अनाउंस किया गया कि लाइट टैंक के लार्सन एंड टोब्रो की हजीरा फैसिलिटी में रिगरस इंटरनल ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसके बाद इसको फील्ड ट्रायल्स के लिए आर्मी को हैंडओवर किया जाएगा, जहां पर ये टैंक राजस्थान की स्कॉर्चिंग हीट में परफॉर्म करेगा। समर ट्रायल्स के बाद इसका रियल परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, जहां इसको लद्दाख रीजन के बोन चिल्ड वेदर और नॉर्थ ईस्ट के जंगली और हाई ह्यूमिडिटी एरियाज़ में टेस्टिंग के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। सो राजस्थान के मरुथल, लद्दाख की कड़क सर्दी और नॉर्थ ईस्ट के हाई रेनफॉल्स, हाई मॉइस्चर और वेटलैंड्स वाले इलाके, तीनों तरह के वेदर में जोरावर की टेस्टिंग थोड़ी चैलेंजिंग रहने वाली है। और आर्मी का मकसद भी यही है कि ये एक ऑल वेदर टैंक होना चाहिए, पर हाँ, इन टैंक्स को आर्मी स्पेशली हाई अल्टीट्यूड माउंटेनस एरियाज़ में ही डिप्लॉय करेगी। 2009 में जब माउंटेन डिविजन्स की रेजिंग स्टार्ट हुई, तो आर्मी ने 200 व्हील्ड और 100 लाइट वेट ट्रैक्ड टैंक्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू की। आर्मी की मैकेनाइज्ड फोर्सेज के डायरेक्टरेट द्वारा लाइट टैंक्स के लिए प्रिलिमिनरी जर्नल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को फॉर्मुलेट किया गया, जिसमें 22 टन वेट के साथ 105 mm या 120 mm गन की रिक्वायरमेंट के साथ कुछ और रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस, जैसे हाई ग्राउंड क्लियरेंस, लेज़र थर्मल एंड रडार गाइडेड म्यूनिशंस के अगेंस्ट डिफेंसिव सूट्स और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन जैसे पैरामीटर्स भी शामिल थे। RFI इशू करने के बाद रिस्पॉन्सेज भी रिसीव हुए, बट इसके बाद कोई रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या फॉर्मल टेंडर इशू नहीं किया गया और इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस टाइम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी के कारण भी लाइट टैंक्स का प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, जैसे इंडिया के उस टाइम पर चल रहे अर्जुन मेन बैटल टैंक का प्रोजेक्ट। देखा जाए तो इससे पहले भी 1970s या 1980s और कारगिल के दौरान भी इंडिया को लाइट टैंक्स की ज़रूरत महसूस हुई, पर असल में आर्मी को इसकी प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत इंडिया चाइना के 2020 के कॉन्फ्लिक्ट में महसूस हुई। उस टाइम इंडिया ने मीडियम वेट T-72 और T-90 टैंक्स की करीब 200 यूनिट्स को LAC एरिया में ट्रांसपोर्ट किया था, जहां इन टैंक्स को IL-76,
और C-17 एयरक्राफ्ट से लिफ्ट करके ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय किया गया। इस सिनारियो को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स भी अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की प्रोक्योरमेंट में 18 से 30 टन की पेलोड कैपेसिटी के एयरक्राफ्ट्स एक्वायर करेगी, जो इन टैंक्स को ट्रांसपोर्ट करने में कैपेबल होंगे। क्योंकि T-72 और T-90 टैंक्स का वेट 40 से 45 टन के बीच वेरी करता है, जिनको टैक्टिकल एयरलिफ्टर्स जैसे 50 टन कैपेसिटी के IL-76 गजराज और 75 टन कैपेसिटी के C-17 ग्लोव मास्टर्स ही कैरी कर सकते हैं। सो गलवान क्लैशेस के बाद इंडियन आर्मी को ऐसे टैंक्स की ज़रूरत महसूस हुई जो लाइटवेट और हाई कैलिबर गन से लैस हों, जिसकी वजह से उनको आसानी से लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के हाई अल्टीट्यूड वॉर जोन्स में एयरलिफ्ट किया जा सके और मोर इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वहाँ पर ऑपरेट करने में कैपेबल हों। हालांकि मैकेनाइज्ड बटालियंस के BMP व्हीकल्स वहाँ पर ऑलरेडी डिप्लॉयड थे, बट चाइनीज़ टैंक्स को फेस करने के लिए ना ही तो BMP की इतनी आर्मर थिकनेस है और ना ही रिक्वायर्ड हाई कैलिबर आर्ममेंट। चाइना की तरफ उस टाइम लाइट वेट टाइप 15 टैंक्स को आइडेंटिफाई किया गया था, जिनको ब्लैक पैंथर कहा जाता है। 105 mm मेन गन और 33 टन के इन टैंक्स में 1000 हॉर्स पावर का इंजन यूज़ किया गया है, जो मैक्सिमम 70 किलोमीटर की स्पीड के साथ 450 प्लस किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है। और चाइना ब्लैक पैंथर की 500 प्लस यूनिट्स को प्रोड्यूस कर चुका है। लाइट वेट के कारण ये चाइनीज टैंक्स उस स्लोपी टेरेन में इजीली ऑपरेट कर रहे थे, बट इंडिया के T-72 और T-90 के वेट के कारण उनकी मूवमेंट इतनी इजी नहीं थी। सो गलवान के टाइम इन टैंक्स की अपीयरेंस इंडिया के लिए एक सेटबैक की तरह थी और फायर पावर में चाइना का पलड़ा भारी था। मार्च 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने माउंटेन वॉरफेयर के लिए लाइट टैंक्स की डेवलपमेंट की इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी। उस टाइम आर्मी रशिया द्वारा ऑफर किए गए 450 हॉर्स पावर और 18 टन के लाइट वेट स्प्रूट SDM-1 टैंक्स को कंसीडर कर रही थी, जो 125 mm मेन गन से लेस हैं और मैक्सिमम 45 किलोमीटर पर आर की स्पीड के साथ 500 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। और तो और सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर K9 वज्र को 35 टन के लाइट वेट में कन्वर्ट करने के लिए भी उस टाइम LNT और DRDO के बीच डिस्कशंस चल रही थी। सो लाइट वेट टैंक्स को एक्वायर करने का सिलसिला 2020 में ही गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बाद के जस्ट बाद स्टार्ट हो चुका था। फाइनली ये डिसाइड किया गया कि लाइट टैंक को DRDO की लैब कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा किसी डेवलपमेंट एजेंसी से कोलैबोरेट करके डेवलप किया जाएगा। गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद अप्रैल 2021 में इंडियन आर्मी के डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ मैकेनाइज्ड फोर्सेस द्वारा इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट में 354 ट्रैक्ड लाइट टैंक्स के लिए RFI रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू की गई। मार्च 2022 में लाइट टैंक की डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए अप्रूवल दी गई। इसके बाद सितंबर 2022 में जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज किया गया और पैरेलली LNT लार्सन एंड टोब्रो को DRDO का डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर सिलेक्ट किया गया। बता दें कि LNT ने इंडियन आर्मी के कोरियन ओरिजिन सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स K9 वज्र को अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चर किया है। दिसंबर में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कई वेपन्स की एक्वायरिंग के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की ग्रांट दी, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 16,000 करोड़ का ज़ोरावर प्रोजेक्ट भी शामिल था। 354 टैंक्स में से 59 LNT प्रोड्यूस करेगी और रिमेनिंग टैंक्स के लिए अलग बिडिंग प्रोसेस होगा, जिसमें डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंडर लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए टेंडर फ्लोट किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बाद में गवर्नमेंट के ऊपर LNT के प्रति पक्षपात किए जाने के आरोप ना लगे। आसान भाषा में समझें तो ज़ोरावर टैंक्स की एक्विजिशन बाय इंडियन IDDM दैट इज इंडिजिनस डिजाइनिंग डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग रूट के थ्रू होगी, जिसमें कम से कम 50% इंडिजिनस कॉन्टेंट की कंडीशन है, 50% इंडिजिनस कॉन्टेंट बाई वैल्यू। ज़ोरावर टैंक K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर की चैसी पर ही बेस्ड है और आर्मी द्वारा लाइट टैंक्स की RFI में मेंशन किए गए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें तो कॉम्बैट वेट 25 टन होना चाहिए, इन सर्विस एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके,
तीन क्रू मेंबर्स को एकोमोडेट कर सके, मेन गन की कैलिब्रेशन 105 mm या उससे ज़्यादा हो, पावर वेट रेशो कम से कम 30 हॉर्स पावर पर टन का होना चाहिए, ऑपरेशनल रेंज क्रॉस कंट्री में 300 किलोमीटर और रोड पर 450 किलोमीटर कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद कुछ और पैरामीटर्स जैसे सर्वाइवेबिलिटी, कम्युनिकेशन, सिचुएशनल अवेयरनेस और अदर कैपेबिलिटीज़। डेवलप किए गए इस प्रोटोटाइप की हल को CVRDE और LNT द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है। इसकी 105 mm की मेन गन बेल्जियम फॉर्म जॉन कॉकरेल से एक्वायर की गई है। पावर के लिए इंडिया ने जर्मन MTU इंजन्स को चूज़ किया था, बट जर्मन गवर्नमेंट द्वारा इंजन को एक्सपोर्ट करने की क्लियरेंस ना मिलने के बाद इंडिया ने 1000 हॉर्स पावर के अमेरिकन क्यूमिंस इंजन को एक्वायर किया। इसके अलावा इसका ट्रांसमिशन सिस्टम और सेंसर्स भी इंपोर्टेड हैं। मेन बैटल टैंक्स के इंजन्स की बात करें तो अर्जुन टैंक्स में भी जर्मन MTU इंजन्स यूज़ किए गए हैं, बट अभी जो 118 यूनिट्स अर्जुन की ऑर्डर पर हैं उनके लिए जर्मनी द्वारा सप्लाई किए जाने वाले इंजन्स की सप्लाई कम से कम 3 से 4 साल तक डिले हो चुकी है। बट इंडिया नेक्स्ट जनरेशन और फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक्स के इंजन की इंडिजिनस डेवलपमेंट पर ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुका है। इस साल मार्च में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेमल द्वारा मेन बैटल टैंक्स के लिए 1500 हॉर्स पावर के इंडिजिनसली डेवलप्ड इंजन के मेडन टेस्ट रन की अनाउंसमेंट की गई थी। अगले फेज में बेमल CVRDE में ट्रायल्स के लिए कुछ इंजन्स प्रोड्यूस करेगी, जिसके बाद इंजन्स को टैंक्स में फिट करके प्रैक्टिकली टेस्ट किया जाएगा और ये पूरा प्रोसेस 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इस इंजन को एक्सट्रीम कंडीशंस, सब जीरो टेम्परेचर्स और डिजर्ट एनवायरमेंट्स में हाई पावर टू वेट रेशो डिलीवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो अगर इस इंजन की परफॉर्मेंस सक्सेसफुल रहती है तो इंडिया के फ्यूचर मेन बैटल टैंक्स के साथ उसको अर्जुन में भी यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा भारत फौज द्वारा 105 mm टरेट गन पर भी काम किया जा रहा है। सो फ्यूचर में जब जोरावर आर्मी ट्रायल्स के बाद प्रोडक्शन के लिए रेडी होगा, पॉसिबली हो सकता है कि इसकी मेन गन और इंजन्स को इंडिया डेवलप कर ले, अदरवाइज इंपोर्ट की ऑप्शंस तो अवेलेबल रहेंगी ही। नए टैंक्स के लिए इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स अपने मौजूदा रशियन ओरिजिन मेन बैटल टैंक से कहीं ज़्यादा हैं। जोरावर में मल्टीपल थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कई मॉड्यूलर और अपग्रेड वेपन सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स हैं और ये एंटी एयरक्राफ्ट थ्रेट्स और ग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में भी कैपेबल होगा। इसके अलावा जोरावर एक्सप्लोजिव, रिएक्टिव आर्मर, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर प्रोटेक्शन और इंस्टेंट फायर डिटेक्शन जैसे सिस्टम से भी लैस होगा। मौजूदा हालात के अनुसार इंडियन आर्मी को जोरावर के लिए इस डेकेड के लास्ट तक इंतज़ार करना पड़ेगा, पर चाइना के ZTQ-15 या ब्लैक पैंथर के मुकाबले कुछ पैरामीटर्स में जोरावर आगे रहने वाला है। जैसे ब्लैक पैंथर के 33 से 35 टन वेट के मुकाबले जोरावर का कम वेट, ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड फायर पावर और पॉसिबली ज़्यादा पावर टू वेट रेशो, जो चैलेंजिंग और रफ टेरेन में जोरावर को मोर फ्लेक्सिबल और एजाइल बनाएंगे। बट ये तो श्योर है कि तब तक चाइना अपने ब्लैक पैंथर्स में और इम्प्रूवमेंट्स और एडवांसमेंट्स कर चुका होगा। पर इंडिया के व्यू पॉइंट से लाइट टैंक्स की सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट और पॉसिबल इंडिजिनस इंजन और मेन गन्स की इंटीग्रेशन इंडिया के सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव की दीवार में एक और ब्रिक लेयर ऐड करेगी।